of course, because all the fans are now expecting. We are up against Netherlands. नेदरलैंड्स के कप्तान का इंटरव्यू आया है. आपने वसीम बताया था कि उन्होंने क्या कुछ बोला है उन्होंने खास मैंने सोशल ट्विटर पे देखा. आई थिंक ही सेड इन हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट वी नो दैट वी हैव अ चांस अगेंस्ट पाकिस्तान, स्पेशली पाकिस्तान अंडर प्रेशर आफ्टर लूजिंग टू जिम्बाब्वे. एंड राइटली सो, अगर मैं भी नेदरलैंड का होता प्लेयर या कप्तान तो थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस होता कि आई कैन पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तान टीम. एंड फॉर पाकिस्तान टीम ऑब्वियसली जितनी भी टीमें अभी तक आई हैं ना, आप खेले हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ, कीनिया के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ और शारजा जैसी विकटों पे. मैं उस दिन बार बार ये, बल्कि विकी भी अभी मैंशन कर, देखें आप ये देखें कि एक टीम आपके मुल्क में अच्छी आई, इंग्लैंड, और वो भी बी टीम खेली. हाँ जी. और उसने एक्सपोज कर दिया आपकी सारी टीम को, शॉर्ट पिच बॉल किए. डिसअपॉइंटिंग यार. मैं पहले भी कह चुका था कि पाकिस्तान इस हफ्ते पाकिस्तान वापस आ जाएगी और अगले हफ्ते इंडिया वापस आ जाएगी, वो भी सेमीफाइनल खेल के वापस आ जाएगी, वो भी कोई इतने 30 मार खान नहीं है, और हम तो बिल्कुल ही माशाल्लाह. तो दोस्तों, कल है पाकिस्तान नीदरलैंड का मैच. उससे पहले नीदरलैंड के कैप्टन ने एक बात बोली है कि पाकिस्तान है बी डबल टीम, मतलब पाकिस्तान को हराया जा सकता है. और इस बात को लेकर अब पाकिस्तान और इंडिया के दोनों के फ़ैन बहुत मज़े ले रहे हैं, स्पेशली इंडिया के फ़ैन मज़े ले रहे हैं. पाकिस्तान के भी कुछ जो गुस्से वाले फ़ैन हैं वो भी मज़े ले रहे हैं. तो नीदरलैंड और पाकिस्तान का जो मैच है, आपको बता दूं हाल ही में नीदरलैंड और पाकिस्तान की सीरीज़ हुई थी जिसमें एक मैच काफ़ी क्लोज गया था. ओडीआई सीरीज़ की बात कर रहा हूं, अगर आपने वो फॉलो की हो तो नीदरलैंड ने वो उसका भी रेफरेंस दिया. और अब देखते होता क्या है. हालांकि उससे पहले ही अगर जिम्बाब्वे जीत जाएगा बांग्लादेश से तो पाकिस्तान आउट, और पाकिस्तान के चांसेस बनेंगे जब वो नीदरलैंड को हराएगा और इंडिया साउथ अफ्रीका को हराएगा. पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल बात. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा. जय हिंद. वापस हम चलते हैं कि जिस तरीके से ये सेटअप हो रहा है वकार, ये वाला पूल हमने देखा कि इसमें भी सारी टीमों के पास ये, जिस तरह वसीम ने बोला कि you just can't tell till every team has played all their games. Yep. So that uncertainty puts a lot of pressure for every game, for every team, doesn't it? It's good fun, isn't it? Yes. That's what we want to see. We want to see World Cup, unpredictability, jo uski hum baat karte hain, T20 cricket ki aur is tarah ke tournament ki bhi. Thoda sa weather ne thoda sa spoil kiya zarur hai kuch matches ko. Agar wo matches hote to would have been even better. यू नो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वाला जो मेजर में बड़ा मैच था वो बारिश की नज़र हुआ. सो आई थिंक ये चीज़ थोड़ी सी कहीं ना कहीं आ रही है. अदरवाइज़ यू नो आई थिंक द टूर्नामेंट इज़ गोइंग क्वाइट नाइसली. डिफरेंट पिचेस, मोर बाउंस, यू नो हार्ड टू टैकल थिंग्स एट टाइम्स. सो न्यूजीलैंड का ये है कि जो मुझे बात आ गई, याद नहीं आ रही थी, ये मुझे याद आ गई वो ये थी कि न्यूजीलैंड अभी तक 3 मैच खेला है. 2 मैच सिडनी में खेला, 1 मेलबर्न गए, मैच बारिश हुआ. सो बेसिकली दे ओनली प्लेड हेयर इन दिस, दे हैवंट प्लेड इन पर्थ, दे हैवंट प्लेड इन ब्रिस्बेन वेयर देयर इज लाइक मोर बाउंस. सो वो जो टेस्ट था जो बाकी टीमों का कहीं ना कहीं हुआ है, वो अभी तक इनका नहीं हुआ. सो आई वुड लाइक टू सी दैम इन सॉर्ट ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन के जहाँ पे अगेंस्ट गुड साइड्स दे प्ले ऑन अ पिच वेयर देयर इज मोर बाउंस. So I think that would be tricky. So I think they are supposed to play in Brisbane against England, if I'm not mistaken. Brisbane is not going to be as bouncy as Melbourne, what we saw, or yeah. maybe Perth. I hope, ऐसा हो. लेकिन लगता नहीं है क्योंकि जो Brisbane में जो हमने जो हमारा जो experience है, मिसबा भी बहुत खेला cricket वहाँ पे, तो वहाँ पे normally बड़ी flat pitch होती है. अब ये जो क्योंकि बारिशें हुई हैं और इसकी वजह से शायद कुछ उसमें और moisture वगैरह हो, bounce होता है, but true bounce होता है और बड़ी अच्छी pitch होती है batting के लिए भी. But obviously for the fast bowlers बाउंस मिलता है, वो भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ऑसी कंडीशंस हैं वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा. बट आई थिंक इन लिमिटेड ओवर्स आपको ये बैट्समैनों को भी उतनी फेवर मिलती है, अच्छे शॉट्स लगते हैं वहाँ पे. बिल्कुल ऐसे वो है. कल 3 मैचेस हैं जिस ग्रुप में पाकिस्तान है उसका. कल बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है पाकिस्तान के लिए. और ऑफ कोर्स बिकॉज़ ऑल द फैंस आर नाउ एक्सपेक्टिंग, वी आर अप अगेंस्ट नेदरलैंड्स. नेदरलैंड्स के कप्तान का इंटरव्यू आया है. आपने वसीम बताया था कि उन्होंने क्या कुछ बोला है उन्होंने खास. मैंने सोशल ट्विटर पे देखा. आई थिंक ही सेड इन हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट वी नो दैट वी हैव अ चांस अगेंस्ट पाकिस्तान, स्पेशली पाकिस्तान अंडर प्रेशर आफ्टर लूजिंग टू जिम्बाब्वे. एंड राइटली सो, अगर मैं भी नेदरलैंड का होता प्लेयर या कप्तान तो थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस होता कि आई कैन पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तान टीम. एंड फॉर पाकिस्तान टीम ऑब्वियसली विनिंग इज़ एवरीथिंग, विनिंग मैटर्स, एंड दे शुड कम आउट फॉर गेट व्हाट हैपेंड अगेंस्ट जिम्बाब्वे. वो सब ने हमने क्रिटिसाइज भी कर दिया, सोल्यूशन भी बता दें. कई क्रिकेटर्स ने ये भी कह दिया टॉस बहुत दूर चला गया था,
मेरा मतलब पुठी गल सो यू नो इंडिया वाले मैच पे हाँ अब ये कोई बात थी कहने वाली कि टॉस बहुत दूर कॉइन चला गया था That's, that was just bizarre. Okay, I think Pakistan के लिए वसीम भाई ने बिल्कुल सही बात की है कि आप जब आप पीछे सोचना शुरू करेंगे फिर आपके लिए प्रॉब्लम है वो कंट्रोलेबल नहीं है जो हो गया आप उसको आपने आगे देखना और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान की सक्सेस क्या थी अभी हमने ये नहीं सोचना कि हमने आगे क्या करना है क्या नहीं करना आपकी सक्सेस आगे तो सोचना बहुत ज्यादा आगे भी नहीं सोचना जस्ट थिंक ऑफ द डे वाइज वर्ल्ड कप के बाद की बात कर रहा हूं आई एम टॉकिंग अबाउट वन गेम एट अ टाइम हम दो आ रहे हुए हैं जस्ट लेट्स पुट सम कपल ऑफ पॉइंट्स ऑन द बोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पॉइंट है वो ये है कि हमारे ओपनर्स को हमें देखना है कि जब भी हम अच्छे स्टार्ट्स हमें मिले हैं हमने कैपिटलाइज किया और वही हमारी सक्सेस थी तो इस टाइम पे उसको मिक्सअप ना करें कि हमने एट द सेम टाइम हमने ये सोचना है कि हमने 6 ओवरों में जी 60 या 65 करना है या हम फॉर्म में नहीं है नहीं अभी फ़िलहाल आपको ये सोचना चाहिए कि हमने अच्छा स्टार्ट देना है और हमने देखा है कि वो कैपिटलाइज कर सकते हैं उसके बाद सो आई थिंक वो प्रेशर साइड पे करे दे आर स्टिल क्वालिटी प्लेयर्स बाबर आजम आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन उस पेस बाउंस में वो अच्छा खेल सकते हैं सिर्फ उसको थोड़ा सा अपनी माइंड को फ्री करना पड़ेगा उसको हाउ कैन ही फ्री हाउ कैन अ प्लेयर नॉट जस्ट बाबर जनरली स्पीकिंग ऐसी सिचुएशन में यू एज अ कैप्टन बीन देयर वी हैव बीन देयर हाउ कैन स्किपर कम आउट ऑफ दैट एक फ्री हिज माइंड परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही है पर्सनली इंडिविजुअली और टीम भी अच्छा नहीं कर रही देखें यही अच्छे प्लेयर्स और टॉप लेवल पे परफॉर्मेंस तभी होती है कि आप मीडिया में क्या हो रहा है मैच की क्या सिचुएशन है कौन क्या कह रहा है उसको छोड़ें आप ये सोचें कि आप अच्छा क्या करते आए हैं और क्या कर सकते हैं फोकस करें अपने उस प्रोसेस को कि किस तरीके से दोनों खेल के दोनों ओपनर से किस तरीके से परफॉर्म किया और पीछे आई थिंक वंस वो 6 ओवर ऊपर से हमारा अच्छा स्टार्ट होगा स्टिल दे आर गुड इनफ प्लेयर्स कि वो पाकिस्तान को एक भी उनमें से इनिंग खेलेगा तो पाकिस्तान अच्छा करेगा और मुझे लगता है कि नीदरलैंड ने जाहिर है उन्होंने पूरा प्रेशर डालना है उन्होंने ये जो एक माइंड गेम है वो खेलनी है पाकिस्तान के साथ कि अच्छा जी हम जीत सकते हैं और नहीं सोचना चाहिए पाकिस्तान को जस्ट गो देयर टेक इट वन बाय वन अगर बैटिंग आती है हमने स्टार्ट अच्छा देना है एंड देन इन द मिडिल ओवर्स देन फिनिश एंड देन थिंक फॉर द बॉलिंग जिस तरह वकार भाई ने कहा कि स्टेप बाय स्टेप मैच को भी ब्रेक करें डिफरेंट फेजेस में उस पर फोकस करें मेरा मिसबा सिर्फ सवाल ये है कि आज हमने देखा कि और इवन पिछले मैच में इंडिया को भी देखा कि उन्होंने पावर प्ले में 25-30 रन किए इंडिया ने भी 25-30 रन किए एंड देन दे मैनेज टू गेट 170 प्लस रन ऑन द बोर्ड वो क्या हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम अगर कहें कि जी अच्छा वी डोंट वांट टू लूज टू मेनी विकेट्स इन द पावर प्ले जस्ट प्ले द पावर प्ले और गेट मे बी 25-30 रन एंड देन मे बी डू वी हैव दैट फायर पावर के जी जो हमें 160-170 पे पहुँचा देंगे देखिए वकार भाई अभी हो क्या रहा है अभी हम ज़्यादा जल्दी पावर प्ले में भी हम बहुत जल्दी जो है ना पैनिक कर रहे हैं नॉर्मली टू ओवर्स फर्स्ट टू ओवर्स इफ द रन आर नॉट कमिंग वो जो बाबर का पिछले मैच में पुशें स्टार्ट हो गए हालांकि प्रीवियसली भी अगर हम देखें तो ऐसे ही हमारा स्टार्ट होता रहा है बट इन द फोर्थ या फिफ्थ सिक्स ओवर हम लोग कहीं ना कहीं 40-45 इस पे जाके फिनिश करते तो ये सोचना पड़ेगा कि ठीक है आप काम रहें जो अभी थोड़ा सा बाबर की पिछले मैच में भी शॉटें थी वो ज़बरदस्ती वाली शॉटें थे नॉर्मली वो मैरिट पे खेलता है देखता और कहीं ना कहीं एक ओवर ज़रूर फंस जाता है किसी बॉलर का जिसको आप दो या तीन बाउंड्रियां मारते हैं और सर्टेनली यू आर सिटिंग नॉर्मली 40 प्लस पे आप बैठे होते हैं तो वो पैनिक सिचुएशन जो है ना वो कहीं पर भी काम रहना आपने कोशिश करें बॉलिंग हो बैटिंग हो स्टिल आई थिंक चांस है हमारे पास कुछ भी हो सकता है अभी आप अपने फिलहाल अगले मैच को सोचें उसमें हमने क्या किया प्रेशर फॉर पाकिस्तान क्लियरली बट बोथ नेदरलैंड्स एंड पाकिस्तान आर वॉकिंग इनटू दिस गेम वसीम विद 0 पॉइंट्स ईच
yeah, Netherlands have nothing to lose. We Pakistan team have everything to lose. They were one of the favorites to qualify for the semi-finals. So obviously, Netherlands can go out and enjoy a game without any pressure. And I want the same for Pakistan team too. It all depends. The think tank hai, coaches hai, if he's 100% fit, he is relax going to play. If I was Babar, I'll tell the players and, to get off the phone sure for a couple they'll of days. Thinking of playing up phone the order somewhere in the top three. Although your family, you know, openers have been runs राणा इरफान का सवाल है वसीम आपसे. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम यू. व्हाई रिजवान कीप्स वेयरिंग द लिप बाम व्हेन नॉट इवन अ सिंगल प्लेयर फ्रॉम एनी अदर कंट्री इज वेयरिंग इट. वसीम अकरम प्लीज आंसर. सच अ रैंडम क्वेश्चन. इट डजंट इवन क्रिकेट किस पे बात क्या. एनी वेले बैठे हो सारे. इतने फारिग हो आप लोग. I can't answer this crap. Okay. Murattab Baloch. Salaam. Sir, sabse question hai ki captain just performance based hona chahiye ya leadership ke liye criteria alag hona chahiye. Performance matters, but kya performer achha captain bhi hoga? Ask the pavilion. Mispal, let's take that to you. Dekhen, mere khayal mein sabse pehle to aapka role hota hai team mein. जब टीम के 11 में आप आते हैं तो जाहिर है आप किसी बेस पे आते हैं. ये नहीं हो सकता कि सिर्फ आप कप्तान हैं तो उस बेस पे टीम में आ जाए. पहले या एज ए बैट्समैन आपकी कोई कंट्रीब्यूशन हो. होता था इफ यू रिमेंबर द ग्रेट आजकल ये कैप्टन माइक ब्रेली वो एक ही दफा हुआ साइकोलॉजिस्ट एक सर या बट दैट्स इट. उसके बाद क्या पहले टीम 11 बनती है उसमें फिर कप्तान पिक होता है. दैट्स हाउ क्रिकेट वर्क्स. और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं पे भी जब तक आप अपने उस रोल को जस्टिफाई नहीं कर पाते टीम में चाहे वो एज एन ऑलराउंडर है एज अ बॉलर है एज अ बैट्समैन है उस वक्त तक आप वो रिस्पेक्ट जो है वो अर्न ही नहीं कर सकते टीम के अंदर. एंड देन ऑब्वियसली उस 11 में आपने देखना कि किसको गेम अवेयरनेस ज़्यादा है और कौन जो है वो हैंडल बेहतर तरीके से कर सकता है. कर सकते हैं. ऑलराइट. अगला सवाल वसीम आपके लिए है. सामिया इनका ट्विटर हैंडल है नो ट्रॉफी. काफी बदतमीज लड़का लगा है मुझे. हाँ ठीक ठाक किस्म का बदतमीज. समिया नाम है जो भी है. लुकिंग एट हिज इसका तो ये पढ़ ले. आई वाज लुकिंग फॉर अ हॉबी एंड आई फाउंड वन बट आई एम मिजरेबल नाउ. Get a life. Ask me question. So, इनका सवाल ये था कि आपने earlier ये बोला कि Babar refused to bat down for Karachi Kings despite Wasim asking him to. तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म. आपने देखा किस तरीके से बात हो रही है. वसीम अकरम एक तो यार वसीम अकरम भी यार सीरियसली जेन्युइन बंदा है. बोल रहा है कि मैं अगर नीदरलैंड का कोच होता तो यही बात करता. ऑब्वियसली यार पाकिस्तान वैसे भी आपको पता है कि इंडिया से तो मैच हारना चलो ठीक है लेकिन जिम्बाब्वे से जो मैच हारे हैं ना ये लोग उसको सीरियसली उसको लेकर यार पाकिस्तानी प्लेयर बहुत नीचे गए होंगे यार बहुत नीचे गए होंगे. और अब नीदरलैंड के साथ कुछ फैंस ये कह रहे हैं कि ये जिम्बाब्वे से बहुत ज़्यादा खेलते थे तो अब ये जो नीदरलैंड के साथ भी अभी हाल ही में ये सीरीज़ खेल कर आ रहे हैं तो उसका एडवांटेज नीदरलैंड को होगा. अब मुझे नहीं लगता यार पाकिस्तान नीदरलैंड से हार जाएगा. इतना भी नहीं है यार इतना भी नहीं है. हालाँकि नीदरलैंड क्वालिफाई करके यहाँ तक आया है तो वो भी कोई कमज़ोर टीम नहीं है. बट नीदरलैंड में मुझे कोई ऐसा एक्स फैक्टर वाला प्लेयर लगता नहीं है. जिम्बाब्वे में तो ऐसे प्लेयर थे कि आपको पहले से पता था कि यार यहाँ पे जो सिकंदर रजा है या मुजरवानी है या तो जो उनके कैप्टन हैं लेफ्टी वाइट उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन में नाम नहीं उनका विलियमसम है. वो प्लेयर थे तीन चार मतलब जो बैकबोन थे. बट नीदरलैंड के इतने अननोन प्लेयर हैं इतने नोन प्लेयर नहीं है. हाँ नीदरलैंड की जगह अगर स्कॉटलैंड होती तो मैं सोच सकता था क्योंकि स्कॉटलैंड अच्छी टीम है. या आयरलैंड होती तो मैं सोच सकता था. बट नीदरलैंड शायद थोड़ा सा ज़्यादा बोल गए हैं पाकिस्तान के लिए. अब देखें होता क्या है यार. और अगर ऐसा हो गया तो ये जो इंडिया में दिवाली चल रही है काफ़ी लंबी चलेगी 11 तक. हालाँकि फटाखे वगैरह फोड़े जाते हैं आपको भी पता है
तो ये वीकेंड काफ़ी लंबा हो जाएगा, और कल अगर इंडिया हारता है तो पाकिस्तान को भी घाटा है, तो आप समझ रहे हो ना मैच तगड़ा होने वाला है। दोस्तों दूसरे ग्रुप का भी कुछ ऐसा ही सीन है, अगर आप देखें इंग्लैंड के साथ क्या सीन हुआ। एक तो इंग्लैंड बड़ा अनलकी रहा है, जीता जिताया मैच उस दिन वो बारिश के कारण आयरलैंड को देना पड़ा, जीत गया वो आयरलैंड। उसमें डेविड मलान ने कुछ, जैसा बाबर रिजवान खेलता वैसा ही कुछ डेविड मलान, ये तीनों बड़े फ्रॉड प्लेयर हैं T20 के, आप माने ना माने, डेविड मलान, रिजवान और बाबर आजम, ये तीनों बहुत बड़े फ्रॉड हैं और ये तीनों नंबर वन पर रहे हैं। मतलब इनका कुछ अलग ही तरीका है खेलने का, ये पता नहीं ये शुरुआत में 33 बॉल पे 30 बनाएंगे और फिर आखिरी में आके मारते हैं, लेकिन ये डकवर्ड लुइस में फंस गए ये, और लिविंगस्टोन बैठा था, मोइन अली बैठा था, और 5 ओवर में उनको 52 रन चाहिए था, ऐसा कुछ टारगेट था, वो आराम से जीतते इंग्लैंड वाले आराम से जीतते, लेकिन वो इनके डेविड मलान के चक्कर में चले गए। अब सीन ऐसा कुछ है कि वहाँ पर अगर और बारिश हो गई तो न्यूजीलैंड तो क्वालिफाई वहाँ से करेगा, आयरलैंड के भी चांसेस बन रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के भी चांसेस बन रहे, तो इंग्लैंड फंस गया है, बहुत बुरा फंस गया है। तो वो ग्रुप ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये वाला तो बहुत क्लियर है, इंडिया को एक मैच और जीतना, इंडिया क्वालिफाई। तो आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक शायद आप ये वीडियो देख रहे हो, नीदरलैंड